आज की वीडियो में हम करेंगे कि टेम्परेरी डायमेंशंस की सेटिंग्स कैसे हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैनेज पे यहाँ पे जाएंगे, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टेम्परेरी डायमेंशंस ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेम्परेरी डायमेंशन आखिरकार होता क्या है। टेम्परेरी डायमेंशन क्या होता है कि जैसे आप किसी वॉल पे क्लिक करते हो तो वो डायमेंशन दिखाता है, दूसरी वॉल से उसका डिस्टेंस दिखाता है। दिस इज योर टेम्परेरी डायमेंशन। टेम्परेरी क्यों है, क्लिक करेंगे आ जाएगी, बाहर क्लिक करेंगे हट जाएगी। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो आपको क्लिक करके यहाँ पे करना पड़ेगा मेक दिस टेम्परेरी डायमेंशन टू परमानेंट। क्लिक करेंगे, नाउ दिस इज योर परमानेंट डायमेंशन। यू कैन डिलीट दिस, यू कैन सेलेक्ट दिस डायमेंशन एंड यू कैन डिलीट दिस। ओके, अब अगर मैं वॉल पे क्लिक करता हूं और मान लो मैंने ये यहाँ पे वॉल बनाई है, अब मैं इस वॉल से 10 फीट की दूरी पे एक वॉल बनाना चाहता हूं और वो डिस्टेंस जो मैं चाहता हूं वो सेंटर टू सेंटर चाहता हूं या फिर इनर पोर्शन टू इनर पोर्शन। अब जैसे मैं यहां पे जाता हूं तो आपके पास एक डायमेंशन यहां पे शो हो रही है, तो आप यहां पे देख पाएंगे वो सेंटर से दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वॉल बनाऊं तो वो लोकेशन लाइन जो आ रही है वो भी सेंटर से आ रही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और 10 फीट पे एंटर करूं तो आप देखेंगे नीचे आके, और अगर मैं अब क्लिक करूंगा इस पे तो वो डायमेंशन दिखाएगा 10 फीट बट सेंटर टू सेंटर, क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट जो डायमेंशंस ली वो सेंटर टू सेंटर ली। क्लियर है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि जो डायमेंशंस ले तो वो जब इवन जो मैं डायमेंशंस चेक कर रहा हूं यहां पे तो भी वो जो डायमेंशंस बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है वो सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट वो डायमेंशंस जो दिखाए वो फेसेस टू फेसेस दिखाए, मतलब वॉल के इस फेस से लेके उस फेस तक या फिर यहां से लेके यहां तक कुछ इस तरीके से डायमेंशन दिखाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पे मैनेज पे क्लिक करता हूं, एडिशनल सेटिंग टेम्परेरी डायमेंशन। तो यहां पे गिवन है टेम्परेरी डायमेंशंस मेजर फ्रॉम वॉल्स सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन से वो मेजर करता है। अगर मैं इसे फेसेस कर देता हूं, ओके कर देता हूं, अब इस पे क्लिक करता हूं या इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे तो वो फेसेस टू फेसेस मेजर कर रहा है। क्लियर है? यहां पे भी वो फेसेस टू फेसेस मेजर कर रहा है, ना कि वो सेंटर टू सेंटर मेजर कर रहा है। क्लियर है? और अगर मैं अब इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं और एक और वॉल बनाता हूं तो अब यहां पे भी आप देख पाएंगे जो टेम्परेरी डायमेंशन है वो यहां से ले रहा है ना कि सेंटर से। तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है कि मेरे को डायमेंशंस देखनी किस तरीके से है। तो ये तो थी नॉर्मल, जो मैं मान लो मैंने डायमेंशन यहां पे ली और एक और यहां पे वॉल बनाई, एक और यहां पे वॉल बनाई, अब इस पे मैंने क्लिक किया इस वॉल पे तो उसने फेसेस टू फेसेस लिए। ओके, अब एक है यहां पे मैनेज पे अगर आप जाते हो, एडिशनल सेटिंग टेम्परेरी डायमेंशन, सेंटर टू कोर और फेस टू कोर। अब ये क्या है, अब ये क्या है कि अगर मैं इन वॉल्स को सिलेक्ट करूं और यहां पे जाके मैं एक वॉल लेता हूं ये वाली, तो आप यहां पे देखेंगे मैं इसको फाइन कर देता हूं, तो फाइन करने के बाद आप यहां पे देख पाएंगे, मैं इसको थोड़ा शेडेड करता हूं या फिर रियलिस्टिक करके दिखाता हूं। अब यहां पे आप देख पाएंगे जो ये वाली आपकी वॉल है, मैं इनको और अच्छे से दिखाने के लिए ये वाली कन्वर्ट करता हूं और शेडेड। हाँ, अब ठीक है। अब ये वाली वॉल है, दिस इज योर मेन वॉल, और उसके ऊपर तो ये प्लास्टरिंग और ये ब्रिक की लेयर लगाई गई है। तो जो आपकी मिडल की मेन वॉल होती है वो आपकी कहलाती है कोर वॉल, दिस इज योर कोर वॉल। ओके, इस पे मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई है, वो भी जाके देख सकते हैं। ओके, अगर मैंने सेटिंग्स यहां पे, अगर मैं अब इस वॉल को सिलेक्ट करता हूं तो अभी तो ये फेसेस टू फेसेस कंप्लीट वॉल के दिखा रहा है, और अगर मैं यहां पे करता हूं सेंटर ऑफ कोर, ओके करता हूं और अब इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे जो आपकी कोर वॉल है उसके सेंटर से डायमेंशन दिखा रहा है आपकी कोर वॉल के सेंटर तक। सेम यहां पे, यहां के सेंटर से कोर वॉल के सेंटर तक। तो आपको अब यहां पे सेटिंग कर सकते हैं, यहां पे फेसेस ऑफ कोर कर सकते हैं। अब आप डायमेंशन चेक करोगे तो वो इस कोर के इस फेस से दिखा रहा है, जो आपका कोर का एंड पॉइंट है और यहां पे भी जो कोर का एंड पॉइंट है वहां से वहां तक वो डायमेंशंस को शो कर रहा है। ओके, तो ये तो होगी वॉल की बात की कैसे आपको डायमेंशंस को शो करना है। मान लो मैं नॉर्मल सेंटर लाइन करता हूं। अब बात करते हैं डोर एंड विंडोज की। इसको मैंने डिलीट किया। ओके, अब नीचे चलते हैं।
अब यहाँ पे मेरे पास एक डोर है और एक विंडो है। अब मैं इस डोर पे क्लिक करता हूं तो वो डायमेंशन दिखा रहा है वॉल के सेंटर लाइन से डोर के सेंटर लाइन तक, फिर वॉल के सेंटर लाइन तक। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि वॉल की ओपनिंग से लेके ओपनिंग तक मेरे को डायमेंशन देखनी है तो टेम्परेरी डायमेंशन पे जाओ। अभी तो है वॉल की सेंटर लाइन। अगर मैं ओपनिंग कर देता हूं ओके और क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे वो ओपनिंग से ओपनिंग तक भी दिखाता है, उसके सेंटर से इसकी ओपनिंग, इसकी ओपनिंग से इसका सेंटर। अगर मैं वॉल को भी कर देता हूं फेसेस तक, अगर मैं फेसेस कर देता हूं ओके तो ये फेसेस टू यहां तक दिखाएगा इसके ओपनिंग के एंड पॉइंट तक, और यहां पे इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक दिखाएगा। इस तरीके से आप अपने टेम्परेरी डायमेंशन को अपने हिसाब से कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका बहुत टाइम बचेगा, डोर को सिलेक्ट करोगे डायरेक्टली आप यहाँ पे से कितना डिस्टेंस रखना चाहते हो ये करके एंटर करें तो वो उतना ही डिस्टेंस उसके बीच में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज से आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और इसको आप एज ए टेम्परेरी डायमेंशन यहाँ पे बहुत ईजिली कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बिल्कुल कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। We'll be right back.